गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल हाई जीकेजीएस बाय डॉक्टर सुमन। आधुनिक भारत के बढ़ते क्रम में हम आज मैसूर राज के बारे में पढ़ेंगे और मैसूर राज में हैदर अली के उत्कर्ष को आज हम जानेंगे। दोस्तों, कर्नाटक का तीन युद्ध में बता चुका हूँ, क्योंकि दक्षिण भारत का अभियान चल रहा था, अभी दक्षिण भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे तो इस टॉपिक को पढ़ने में आसानी होगी और खास करके हैदर अली के उत्कर्ष के बारे में जानना जरूरी है, तभी जाके मैसूर के जो चार युद्ध हुए हैं उसको आपको समझ में आएगा। तो आज देखिए, बिना समय को बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैसूर राज के बारे में पृष्ठभूमि बताएंगे आपको। तो इसकी क्या है पृष्ठभूमि, ये विजयनगर साम्राज्य के जिस समय विजयनगर साम्राज्य चल रहा था उसी समय 1612 ईस्वी के आसपास मैसूर राज्य जो है, मैसूर राज स्वतंत्र हुआ। किस राजा के अधीन? बोडियार राजा के अधीन, याद रहेगा दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के अधीन। और अगर इसको और रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो उत्तर मुगल काल में कह सकते हैं कि उत्तर मुगल काल में कई राज्य जो है स्वतंत्र हुए थे, जैसे अवध स्वतंत्र हुआ था, बंगाल स्वतंत्र हुआ था, हैदराबाद स्वतंत्र हुआ था, पंजाब स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, इस उसी में कर्नाटक, मैसूर इत्यादि भी स्वतंत्र हुआ था, उसी में मैसूर भी उसी काल का ये समय है। तो अभी जो हम लोग जानते हैं कि ये विजयनगर के ध्वंसावशेष पर मैसूर राज्य जो है स्वतंत्र हुआ, और मैसूर राज्य जब स्वतंत्र हुआ तो किस राजा के अधीन फिर ये स्वतंत्र हुआ? तो बोडियार राजा के अधीन, इसको ओडियार या बोडियार कहा जाता है। और कालांतर में इसी से अपभ्रंश बनते बनते जब ये अंग्रेजी शासन के अधीन चला गया तो यही बोडियार जो है अपभ्रंश होते होते अंग्रेजी शासकों ने इसको बहादुर की उपाधि दिया, तो बोडियार शासकों ने ही बहादुर की उपाधि जो है स्वीकार किया। इसी से बोडियार से ही निकलते निकलते शब्द अपभ्रंश होते होते बहादुर बना। तो हम लोग अभी तक में क्या सीखे कि उत्तर मुगल काल और विजयनगर के साम्राज्य पर एक राज्य का अभ्युदय हुआ जिसका नाम था मैसूर, और मैसूर में बोडियार राजा के अधीन ये राज्य की स्थापना हुआ। बोडियार अपने आप को यदुवंशी मानते थे, यदुवंशी आप लोग सभी जानते हैं, अर्थात कृष्ण के वंशज। इस बोडियार वंश के जो राजा थे अपने आप को क्या मानते थे? यदुवंशी मानते थे। देखिए दोस्तों, यहीं पे बोडियार राजा का शासन चल रहा था मैसूर में, और उसी समय इसी चलने के क्रम में चिक्का कृष्णराज नाम करके एक राजा हुआ। कौन हुआ? चिक्का कृष्णराज करके नाम का राजा हुआ। उसके दो मंत्री थे, नंदराज और देवराज। ये दोनों भाई अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लिया था कि राजा मात्र एक कठपुतली के समान था। हम क्या बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि नंदराज और देवराज दो भाई थे और यही दोनों का प्रभाव पूरे सत्ता पर था। चिक्का कृष्णराज जो ऑफिशियली यानी कानूनी तौर पर जो राजा था, कहाँ का? मैसूर का। वो सिर्फ नाम मात्र का राजा था। तो अब थोड़ा ये यहां तक हम लोग समझे मैसूर का, और यहां तक समझे मैसूर की पृष्ठभूमि। अब हैदर अली की पृष्ठभूमि को हम समझेंगे और तब उसको जाके कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, हैदर अली की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हम एक बात बताएंगे कि उसकी थोड़ी जो है उसकी जो वंशावली को भी थोड़ा हम देखेंगे। जैसे उसके जो दादा थे, उसके दादा एक साधारण कृषक थे और उसके पिताजी जो थे वो फौजदार था। क्या था दोस्तों? फौजदार था। और पिताजी की मृत्यु इसके जन्म के 6 या 7 साल के लगभग बाद इसकी मृत्यु हो गया था, और इसीलिए ये पिताजी का जो जागीर था वो जागीर का नाम था बुद्धिकोट। उस जागीर का नाम क्या था? बुद्धिकोट। वो कालांतर में हैदर अली को बुद्धिकोट मिलता है, लेकिन बचपन में, और ऐसा माना जाता है कि हैदर अली का जन्म भी बुद्धिकोट में ही हुआ था, लेकिन बिल्कुल ही बचपन में जब इसके पिता की मृत्यु हो जाता है तो इसकी शिक्षा दीक्षा अच्छे से नहीं हो पाता है और ये बहुत ही कठिन जिंदगी जीता है। कौन? हैदर अली। उस कठिन जिंदगी को जीने के बाद
हम लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि अपने आप को एक तराशता है और एक मोती बनता है, जैम बनता है। यानी हम इसको एक लाइन में अगर हम इसको बोलने की कोशिश करें तो ये निरक्षर निरक्षर विद्वान व्यक्ति था, निरक्षर था लेकिन दिमाग का ये बहुत ही शार्प था, बहुत ही अच्छा कूटनीतिज्ञ था ये, और बहुत ही साहसी था ये, और युद्ध कला में ये बहुत ही उन्नत किस्म के सेनापति था। अब देखिए, अब हैदर अली के जन्म के बारे में देखते हैं। इसके जो हम बताएंगे, इसके दादा एक साधारण कृषक थे, इसके पिताजी फौजदार थे। 1721 के आसपास इसका जन्म हुआ, कहाँ पे? बोधिकोट में। और 1728 में इसके पिता की मृत्यु हो गया और इसी के पिता का जो साम्राज्य है बोधिकोट इसको मिल गया। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद इसकी हालत दिनों दिन दयनीय होते गया, शिक्षा दीक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाया और किसी तरह इसको इसकी सैनिक क्षमता और गुण को देख करके नंदराज जो कि वित्त मंत्री था मैसूर का, कहाँ का? मैसूर साम्राज्य का, उसने इसको एक सैनिक का पद दिया। वो कब दिया देखिए, अब सीरीज में पढ़ेंगे। 1721 में इसका जन्म हो गया। 1749 ईस्वी में नंदराज जो था वो उस समय वित्त मंत्री था, वो इसको एक साधारण सैनिक बनाया। कितना ईस्वी में? 1749 ईस्वी में इसको साधारण सैनिक बनाया और ये सैनिक क्षमता को बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है युद्धों में, और खास करके ये डिंडीगल के युद्ध में ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। डिंडीगल भी तमिलनाडु में ही है। और देखिए, उसके बाद डिंडीगल के युद्ध में जब इन्होंने काफी शानदार प्रदर्शन किया तब इसको बना दिया गया फौजदार। और फौजदार बनने के बाद ये धीरे धीरे फ्रांसीसियों से साठ घाट करके बहुत ही मतलब अपनी स्थिति को मजबूत किया। अब देखिए, सीरीज में याद रखें, 1749 ईस्वी में मात्र सैनिक था, 1755 ईस्वी में यानी 6 साल बाद ये क्या बना? फौजदार बना। फिर 6 साल के बाद एक छलांग लगाया यानी कि 61 में वो जो है नंदराज और देवराज दोनों को सत्ता से विहीन कर दिया। इसमें इन्होंने एक प्रकार से कह सकते हैं कि कूटनीति का इस्तेमाल किया। जैसा आप लोग को हम पहले बताए थे, हैदर अली बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ भी था। कैसे था? कि इन्होंने राजमाता को अपने पक्ष में किया और इन्होंने बोला कि नंदराज और देवराज दोनों को सत्ता से अलग कर देंगे क्योंकि वो अच्छा साम्राज्य में काम नहीं कर रहा है, और राजमाता मैं आपके हाथ में सत्ता सौंप दूंगा। लेकिन ऐसा वो नहीं किया, वो दोनों को सत्ता से बेदखल जरूर किया लेकिन सत्ता वो अपने हाथ में रख लिया। यानी 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का सर्वोसर्वा बन जाता है, वास्तविक शक्ति हैदर अली के हाथ में आ जाता है। कहने मात्र का जो राजा वहां का राजा रहता है लेकिन वो शक्ति उसके हाथ में रहता है। जैसे आज के हिसाब से अगर हम आपको कंपेरिजन करके बताएं तो भारत की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में जो अंतर है वही अंतर हैदर अली और उस समय के मैसूर के राजा के बीच में था। एक लाइन में कहूं तो हैदर अली क्या है, शक्तिशाली बन चुका था, उसी का धार पर राज चल रहा था, लेकिन वो कानूनी तौर पर राजा नहीं था। कब? 1761 ईस्वी में। आसान है याद करना, 49 में सैनिक बन गया, 6 साल जोड़ने पर वो फौजदार बनता है, 6 साल जोड़ने पर वो क्या बनता है? सर्वसर्वा बन जाता है। अब देखिए, इतनी घटना होने के बाद आपको थोड़ा सा फिर से कंसेप्ट की तरफ आगे लेके चलूंगा और आपको कनेक्ट करके बताऊंगा हैदर अली आखिर इतना जल्दी एक साधारण सा सिपाही का इतना उत्कर्ष हुआ कैसे, आखिर क्या कारण था। तो कारण मैं आपको कल कर्नाटक के जो है द्वितीय युद्ध में भी आपको मैं बताया था कि वहां क्या हुआ था, युद्ध हुआ था नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में। ये जो है फ्रांसीसियों की तरफ से हैदर अली लड़ने के लिए खुद हैदराबाद में था, और जब नासिर जंग की हत्या हुई तो उसकी जो संपत्ति को बड़े पैमाने पर ये लूटा और रातों रात ये क्या हो गया, करोड़पति हो गया। तो एक प्रकार से ये जो कर्नाटक का जो युद्ध था इसके लिए बहुत ही लाभकारी हुआ, आर्थिक दृष्टिकोण से काफी मजबूत हुआ।
उत्कर्ष करने में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। दूसरी बात अब देखिए, आप लोग सभी जानते हैं 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की करारी हार हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को एकदम तोड़ के रख दिया था। तो जो शक्ति दक्षिण में मराठा थी वो शक्ति रहा नहीं, तो इसको चांस मिल गया अगल बगल के दुर्गों को जीतने के लिए, संपत्ति इकट्ठा करने के लिए, तो इसको देखिए चांस मिलते गया। तो एक तो मराठा की शक्तिहीन हो गया, निजाम शक्तिहीन हो गया, और तीसरा कर्नाटक में अराजकता था, जो आपको हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध में बताए किस प्रकार से चांद साहब अनुरुद्दीन आपस में ही टकरा टकरा के अपना शक्ति खो चुका था। पूरा दक्षिण भारत अराजकता में फंसा हुआ था जिस समय हैदर अली का उत्कर्ष हो रहा था। इसलिए हैदर अली का उत्कर्ष होना एक संजोग भी था, और उसकी दूरदर्शिता, उसकी काबिलियत भी इसके साथ में था। तो दोस्तों आज हम आपको बता दिए कि क्या मैसूर राज का पृष्ठभूमि था और हैदर अली का उत्कर्ष कैसे हुआ। कल हम जो हैदर अली दो मैसूर युद्ध लड़ा है, प्रथम और द्वितीय, उसके बारे में हम बताएंगे और इसके आगे चलेंगे। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल अगर ये आपको टॉपिक्स और समझ में आता है, अच्छा लगता है, कंसेप्ट भी आपके पास मिलता है, और अगर मान के चलिए आपको फैक्ट भी मिलता है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हम आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।